वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज अनु और इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो सबसे फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है लीडरशिप. लीडरशिप से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले देखो लीडरशिप क्या होता है. लीडरशिप का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन लीडर जो कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा हो ताकि वो गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके, उसे हम लीडरशिप बोलते हैं. ठीक है, मतलब एक पर्सन दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है बिना डराए धमकाए. ठीक है, अपनी मर्ज़ी से वो लोग उस लीडर से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी बात मानते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं. ठीक है, मोटिवेटेड फील करते हैं. लीडरशिप जो होती है, लीडर जो होता है एक अच्छा लीडर, वो दूसरे लोगों को गाइड करता है, उनको डायरेक्शन देता है. ठीक है, कि कैसे क्या होएगा, कैसे क्या काम करना है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी. तो लीडरशिप का सीधा सीधा मतलब है दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना इस तरीके से ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में अपना पूरा 100% दें. ठीक है, तो वो होता है आपका लीडरशिप. अब लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से होते हैं, देखो 3 टाइप के आपके लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं. सबसे फर्स्ट होता है आपका ऑटोक्रेटिक या फिर इसको अथॉरिटेटिव स्टाइल भी बोलते हैं. इसमें देखो क्या होता है, एक जो मतलब आपका सुपीरियर होता है सारी पावर उसी के पास होती है. वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई भी पावर नहीं देता है, ना डिसीजन मेकिंग की, ना और कुछ सोचने की. ठीक है, वो बस अपनी मर्ज़ी चलाता है. उसने जो काम बोल दिया उसके सबॉर्डिनेट्स को वही काम करना पड़ता है. ठीक है, सारी पावर यहाँ पे सुपीरियर के हाथ में होती है और उसका मेन मोटिव होता है अपना काम करवाना. ठीक है, वो सबॉर्डिनेट से सजेशंस नहीं मांगता है कभी, सबॉर्डिनेट्स के डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट वो नहीं करने देता है. वो अपने ही डिसीजंस खुद लेता है और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करवाता है अपने सबॉर्डिनेट्स से. तो ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव स्टाइल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें एक जो आपका सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को टास्क देता है और उनसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता उनको, और अपना काम उनसे करवाता है. ठीक है, उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है उसको पूरा करवाने के लिए वो अपने सबॉर्डिनेट्स से काम करवाता है और उनकी राय नहीं लेता है किसी भी काम में. ठीक है, यहाँ पर सारी पावर जो होती है आपके सुपीरियर के पास होती है. तो ये आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया लीडरशिप का. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल. इसमें देखो पावर्स थोड़ी सी बटी हुई होती हैं. जो आपका सुपीरियर्स होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को भी पावर्स देता है डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, ताकि वो लोग भी अपने आप से डिसीज़न ले सके, अगर उनके पास कोई सजेशन है तो वो सजेशन दे सके, अगर कुछ न्यू आइडियाज़ वो बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो खुद से डिसीज़न ले सकें, खुद से कोई सजेशन दे सकें, खुद से कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ठीक है, सारी पावर यहाँ पे आपके सुपीरियर के पास नहीं होती है, यहाँ पे पावर बटी हुई होती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स में. ठीक है, तो ये होता है आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सबॉर्डिनेट्स को भी ऐसा लगता है कि हाँ उनकी वैल्यू है, थोड़ी उनको भी पावर्स दी गई हैं तो वो अपना बेस्ट काम करते हैं. ठीक है, और अगर आप उन्हें कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दोगे, उन्हें कोई पावर्स ही नहीं दोगे, तो उनको डीमोटिवेटेड फील होता है और फिर वो अपना काम भी अच्छे से नहीं करते हैं. तो ये वाला जो लीडरशिप का स्टाइल है ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑटोक्रेटिक स्टाइल. ऑटोक्रेटिक में सारी पावर आपकी सुपीरियर्स के पास ही होती है, तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स डीमोटिवेटेड फील करते हैं, उनके पास कोई पावर्स नहीं होती है, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, सारे काम उनको सुपीरियर से पूछ के करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे वो अपना 100% नहीं देते हैं. ठीक है, तो आपका जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है या फिर इसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोलते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका लेज़ी फेयर या फिर इसको फ्री-रेन स्टाइल भी बोलते हैं. ठीक है, नाम याद रखना, लेज़ी फेयर और फ्री-रेन. कई बार एग्जाम में फ्री-रेन भी लिखा हुआ होता है या फिर लेज़ी फेयर भी लिखा हुआ रहता है, तो दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज़ मत होना. इसमें देखो क्या होता है, सारी पावर्स जो होती हैं वो हमारे सबॉर्डिनेट्स के पास होती हैं. सुपीरियर जो होता है वो सारी पावर्स जो है सबॉर्डिनेट्स को दे देता है और कहता है कि तुम सब कुछ खुद ही मैनेज कर लो, अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए, तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो वो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा. ठीक है, ये वाला जो स्टाइल है ये ज़्यादातर वहाँ पे सूटेबल होता है जहाँ पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो, उनको पहले से ही सारा काम आता हो, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हो उनके पास. ठीक है,
जो नौसिखिया लोग होते हैं उनके साथ ये सब ये वाला स्टाइल आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खुद से ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे सारे डिसीजंस लेंगे। तो ये वाला स्टाइल वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स वेल एक्सपीरियंस्ड हों, वेल डेवलप्ड हों, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्टाइल फॉलो किया जाता है। इसमें सारी पावर्स आपकी सबऑर्डिनेट्स के पास होती हैं, वो खुद से ही सारा काम कर रहे होते हैं, सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं, जो भी उनका टास्क होता है वो कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे जो आपका लीडर होता है या फिर जो आपका सुपीरियर होता है वो बस आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका लेज़ी फेयर स्टाइल। तो ये आपके तीनों लीडरशिप के स्टाइल्स हैं। इनमें से एक आधा स्टाइल कई बार पूछ लेता है, कई बार ऑटोक्रेटिक पूछ लेता है, कई बार डेमोक्रेटिक स्टाइल आपसे पूछ लेगा, या तीनों भी एक साथ पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। आपको थोड़ा सा पहले तो डेफिनेशन टाइप में लिखना है, उसके बाद आप इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो देखो मार्केटिंग का है। मार्केटिंग से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, मार्केटिंग से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो कि मार्केटिंग क्या होता है। देखो मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस होता है, मार्केटिंग सेलिंग को नहीं बोलते हैं। मार्केटिंग देखो आपका स्टार्ट हो जाता है जब आप प्रोडक्ट बनाते हो किसी कस्टमर के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने से पहले ही आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्रोडक्ट आपने एक बार कस्टमर को सेल कर दिया तो वहीं पे मार्केटिंग ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद भी मार्केटिंग कंटिन्यू रहती है। जैसे कि आप कस्टमर सपोर्ट जो सर्विस देते हो, कस्टमर केयर सर्विसेज देते हो 24 आवर्स, ठीक है, वो सारा आपका मार्केटिंग के अंदर आता है, ठीक है। मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपका मार्केट है, ठीक है, उसमें कस्टमर्स को क्या चाहिए, वो कौन सा प्रोडक्ट चाह रहे हैं, कौन सी सर्विसेज वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें पता करना, एनालाइज़ करना उनको, और फिर उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स बनाते हो कि कस्टमर को क्या चाहिए, आप उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो सर्विसेज आप पहले पता करते हो उनको क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, फिर उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हो, उसके बाद कस्टमर्स तक पहुँचाते हो उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हो कस्टमर्स को, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपका मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है। मार्केटिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कंज्यूमर नीड्स, कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, एंड मूविंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द फाइनल यूजर, फाइनल कंज्यूमर और यूजर टू सेटिस्फाई सर्टेन नीड्स एंड वांट ऑफ स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट और सेगमेंट्स विद एम्फेसिस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वही कि कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना या सर्विसेज में, और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक या फिर उसके फाइनल यूजर्स तक पहुंचाना, ठीक है, जिससे उनकी नीड सेटिस्फाई हो और फिर उससे आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है। वो उन प्रोडक्ट से, उन सर्विसेज से आप जब प्रॉफिट कमा लेते हो उसे ही आप हम मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो आपके 5 टाइप के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपका सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि काफ़ी बिजनेसमैन ये बिलीव करते थे कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उनको लो प्राइस प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। मतलब वो सस्ते प्रोडक्ट्स और जो आसानी से मार्केट में मिल जाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स बाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, बट पहले लोगों को ऐसा ही लगता था, तो वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे और काफ़ी ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। और प्रोडक्शन करते वक्त फिर वो ध्यान ही नहीं देते थे कि आपका जो कंज्यूमर है उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए एक्चुअली में, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी है भी या नहीं। वो बस चीप प्रोडक्ट्स बनाने में ज़्यादा विश्वास करते थे और बल्क में काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो वही होता है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ पे आप जो भी एंटरप्राइजेस है, जो भी कंपनीज है, वो बल्क में प्रोडक्ट बनाती हैं, और प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो लोग नहीं चेक करते हैं, ठीक है। वो बस बल्क में बना देते हैं और सोचते हैं कि सस्ता मिलेगा तो जो भी कंज्यूमर है आपकी, जो भी मार्केट है, वो इसको ज़रूर परचेज करेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। अगर आप खुद भी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो क्या सिर्फ वो प्रोडक्ट सस्ता है आप इसी वजह से ले लोगे? नहीं ना, आप अच्छे से चेक करोगे उसकी क्वालिटी कैसी है, आपको उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है, या फिर मार्केट में तो कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप सब कुछ थोड़ी ना लोगे, आपको जो चाहिए आप वही लोगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यही कहता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हो, बस प्रोडक्शन करते हो, ठीक है।
क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसा है, ऑडियंस को क्या चाहिए, उससे कोई भी मतलब नहीं रखती हैं इस टाइप की कंपनीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देखो, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है उसका थोड़ा सा अपोजिट है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जो कंपनीज़ जो विश्वास करती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करती हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक गलती वो भी करती हैं, वो अपने मतलब प्रोडक्ट्स तो अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटीज़ की बना लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उस पर स्पेंड भी करते हैं, मनी भी स्पेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग ये ध्यान ही नहीं रखते कि कस्टमर को एक्चुअली में वो प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छी क्वालिटी का तो है, वो अच्छी बात है कि हाँ आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन कस्टमर वो प्रोडक्ट चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इस टाइप की कंपनीज़ वो ध्यान नहीं देती हैं कि कस्टमर को वो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो बस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना लेती हैं। तो यहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए होगा वो वही लेगा, चाहे आपका प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो। अब कोई कस्टमर मार्केट में सपोज़ करो कि स्कूल बैग लेने गया, ठीक है, और आप वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल ब्रांडेड आप शूज़ बेच रहे हो या कुछ और प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स लेके क्या करेगा, जब वो बैग लेने गया तो उसको बैग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। या फिर देखो, आपने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बिस्किट बनाया, ठीक है, कोई भी आपकी कंपनी, आपने बिस्किट बनाया बहुत अच्छी क्वालिटी का, सब कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले हैं, ठीक है, लेकिन कस्टमर को जो आपका प्रोडक्ट का बिस्किट है उसका टेस्ट ही पसंद नहीं आ रहा है, तो वो बिस्किट क्यों परचेस करेगा। आपको कस्टमर क्या चाह रहा है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी तो कस्टमर उसको लेगा, ठीक है। अगर कस्टमर को उसका टेस्ट ही नहीं पसंद है तो आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बना लो वो नहीं लेगा। तो इस टाइप की जो आपकी कंपनीज़ होती हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में देखो, जो कंपनीज़ होती हैं जो सेलिंग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा विश्वास करती हैं, वो बस सेल करना चाहती हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बस वो बेच देना चाहते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो उनका प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो, कस्टमर को चाहिए नहीं चाहिए, महंगा है सस्ता है, उससे उनका कोई भी मतलब नहीं, वो बस चाहते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं हम बेच सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सेल कर सकें। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं वो सेलिंग में ज़्यादा विश्वास रखती हैं, और इनको पता होता है कि जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं वो आपके सारे प्रोडक्ट्स को परचेस नहीं करेंगे जब तक आप उनकी मार्केटिंग नहीं करोगे, आप उनके लिए देखो प्रमोशन नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रमोशनल एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है, जो भी इनके गैजेट्स होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट हो गया, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो गया, उसका ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करते हैं। एड्स वगैरह आपने देखा होगा टीवी पे आते हैं, आजकल फ़ोन पे भी काफ़ी सारे जो एड्स वगैरह डालते हैं वो लोग इसीलिए डालते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, ठीक है। तो ये होता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब आता है आपका नेक्स्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है, इसमें ये लोग सबसे पहले जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर जो है आपका कंज्यूमर जो है वो क्या चाह रहा है, वो कौन सा प्रोडक्ट चाह रहा है, किस टाइप की सर्विसेज चाह रहा है, ठीक है। ये लोग पहले पता करते हैं मार्केट में, ठीक है, फिर जब इनको पता चल जाता है हाँ ये प्रोडक्ट चाह रहा है कंज्यूमर, तब फिर ये उस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो। और एक बार देखो, आप किसी कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हो तो वो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। अगर उसको आपकी चीज़ पसंद आई है, उसको अच्छी लगी है, ठीक है, तो वो आपके पास दोबारा फिर से आएगा, ये गारंटी होती है, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि पहले हम कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको वही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि जो इनका जो टारगेट है वो कंज्यूमर का वो बढ़ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके पास आएँ। और अगर आप कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट्स दोगे तो जाहिर सी बात है वो आपके पास फिर से आएगा, उसको आपको प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। तो ये लोग यही करते हैं, पहले पता करते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, फिर उस हिसाब के प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, और उनको बेचने के बाद भी फिर ये लोग ध्यान रखते हैं कि उन प्रोडक्ट्स में उन सर्विसेज में कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर ये देखो कस्टमर केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए और वो इनके पास दोबारा आ सके। और इस तरह से फिर ये लोग देखो लॉन्ग रन में प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमाते हैं, इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलता है, क्योंकि देखो ये अच्छा मेथड है बहुत ज़्यादा आपका बिज़नेस के लिए, ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है आपका।
अब नेक्स्ट आता है आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट। कि देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके सोसाइटल कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इसमें भी ये लोग पहले कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करके उनको प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है, उनको बाद में कस्टमर केयर सर्विसेज भी देते हैं कोई प्रॉब्लम आए तो। और उसके साथ ही में ये लोग सोसाइटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ताकि जो आपके सोसाइटी को मतलब कोई भी हार्म ना हो उन प्रोडक्ट्स से, ठीक है। सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग ध्यान रखते हैं कि सोसाइटी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और सोसाइटी खुश रहेगी तो देखो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपकी गुडविल ज़्यादा अच्छी बन पाएगी, ठीक है। तो जो कंपनीज सोसाइटल कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं वो ध्यान रखती हैं कि हम अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर पाए, कस्टमर भी हमारा सेटिस्फाई हो जाए और साथ ही में सोसाइटी का भी फ़ायदा हो, ठीक है, सोसाइटी को भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये जो कंपनी सोसाइटल कॉन्सेप्ट बनाती हैं इनका भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक ये लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, गुडविल भी इनकी अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके सारे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स थे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो स्टार्टिंग से स्टार्ट करके आप फिर से देख सकते हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।